नास्रीन, आपने अक्सर ही एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के अफेयर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ये अफेयर ज्यादा देर तक नहीं चल पाते। बहुत जल्द उनका एक दूसरे से दिल भर जाता है और वो ब्रेकअप कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि वो शादी से पहले ही वो सब कर लेते हैं जो कि मियां बीवी करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने रातें गुजारी किसी और के साथ और शादी की किसी और से। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर वन, शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी ने एक लंबे अरसे तक बहुत खुलकर अक्षय कुमार को डेट किया है। 90 की दहाई का ये सबसे हॉट और फेमस कपल था। चुरा के दिल मेरा में जब दोनों एक साथ नजर आए तो उनकी केमिस्ट्री देखने को बनती थी। गाने में ही साफ नजर आ रहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए पागल हैं। शिल्पा ने तो एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि अक्षय के साथ ही उन्होंने अपनी वर्जिनिटी लूज की थी, लेकिन अक्षय शिल्पा के साथ फुल टाइम कर रहे थे। शिल्पा के साथ साथ वो ट्विंकल खन्ना को भी डेट कर रहे थे और ट्विंकल के साथ भी अक्षय के फिजिकल रिलेशंस थे। उसी दौरान ट्विंकल खन्ना शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गए और अक्षय को ट्विंकल के साथ शादी करनी पड़ी। उसके बाद शिल्पा को भी एक बिजनेसमैन राज कुंद्रा में मोहब्बत नजर आने लगी और शिल्पा ने राज कुंद्रा के साथ शादी कर ली। अब शिल्पा और अक्षय दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। भले ही ब्रेकअप के बाद कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी, लेकिन अब दोनों के दरमियान सुलह हो चुकी है और दोनों अच्छे दोस्त हैं। नंबर टू, अनुष्का शर्मा। सभी जानते हैं कि अनुष्का शर्मा अब मशहूर इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की बीवी हैं, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि किसी जमाने में अनुष्का रणवीर सिंह के लिए पागल थी। दोनों एक साथ नजर आए फिल्म बैंड बाजा बारात में। ये दोनों के ही करियर की पहली फिल्म थी। इसी फिल्म के सेट से दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। दोनों ने इस फिल्म में काफी रोमांटिक सीन्स भी किए और ये रोमांस उनका ऑफ द स्क्रीन भी शुरू हो गया। उनकी इसी केमिस्ट्री को देखते हुए उन्हें दोबारा फिल्म दिल धड़कने दो में कास्ट किया गया। आप जानकर हैरान होंगे कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की पहली मुलाकात भी रणवीर सिंह ने ही करवाई थी। रणवीर सिंह ही अनुष्का को लेकर एक पार्टी में गए थे और वहीं उनकी मुलाकात विराट कोहली से हुई। अब अनुष्का अपने घर में काफी खुश हैं और रणवीर भी शादी करके काफी एक्साइटेड हैं। नंबर थ्री, करीना कपूर। जब भी मैट के सेट से शुरू हुआ, करीना कपूर और शाहिद कपूर का मुआशका पूरी दुनिया में फेमस था। दोनों हर जगह हर पार्टी में हाथों में हाथ डाले नजर आते, यहाँ तक कि दोनों पब्लिकली ऐलान भी कर चुके थे कि बहुत जल्द वो दोनों शादी कर लेंगे। उसी दौरान करीना और शाहिद का एक MMS भी वायरल हुआ जिसमें दोनों स्मूच कर रहे थे, लेकिन उनकी मोहब्बत शादी तक पहुँचने से पहले ही दम तोड़ गई और करीना कपूर ने सैफ अली खान को डेट करना शुरू कर दिया। सैफ अली खान ने करीना को एक बंगला भी गिफ्ट किया था जहाँ वो दोनों रातें गुजारते थे। सैफ और करीना काफी अरसा तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। करीना अब नवाब खानदान की बहू हैं और शाहिद कपूर भी मीरा राजपूत के साथ शादी करके खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर फोर, दीपिका पादुकोण। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का कपल इंडिया का सबसे मशहूर कपल था। लोग न सिर्फ फिल्मों में उनकी जोड़ी को पसंद करते थे बल्कि रियल लाइफ में भी उन्हें एक साथ देखना चाहते थे। रणबीर और दीपिका लगभग 3 साल तक बगैर शादी के एक साथ रहे, यहाँ तक कि दीपिका ने ओपनली कहा था कि वो दोनों एक पलंग तोड़ जोड़ी हैं। लेकिन उन दोनों का रिश्ता भी शादी तक नहीं पहुँच सका और दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब दीपिका रणवीर सिंह के साथ शादी करके घर बसा चुकी हैं और वो काफी खुश हैं। दूसरी तरफ रणबीर कपूर भी आलिया भट्ट को डेट कर रहे हैं। नंबर फाइव, कटरीना कैफ। कटरीना कैफ और सलमान खान के मुआशके के बारे में कौन नहीं जानता। कटरीना का करियर बनाने में सलमान खान का ही हाथ है। सलमान ने कई महंगे गिफ्ट्स भी कटरीना को दिए, लेकिन उसके बावजूद कटरीना को रियल लव नजर आया विकी कौशल के अंदर। हाल ही में विकी और कटरीना ने शादी की है और दोनों आपस में बहुत खुश नजर आते हैं।
तो नास्रीन अब तक के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं और मजीद ऐसी ही एक्ट्रेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।